हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। मैं हूं निधि। दोस्तों, आज मैं आपको अपना रियल स्किन केयर रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। वो कैसे आप जानोगे आज के इस वीडियो में, आज की इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं अपनी स्किन के लिए ऐसा क्या करती हूँ जिससे मेरी स्किन पे एक भी रिंकल्स, पिंपल्स कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी स्किन कितनी ज्यादा क्लियर है, ग्लोइंग है। और जो मैं यहाँ पे स्किन केयर रूटीन जो करती हूँ ना, वो इतना ज्यादा ईजी है ना कि कोई भी कर सकता है। ये स्किन केयर रूटीन हर एज की गर्ल्स को, कोई भी हो, मेन्स वुमेन, सबको करना चाहिए। ये हमारे स्किन के लिए काफी ज्यादा जरूरी है यार, क्योंकि आप आए दिन कोई ना कोई फेस वॉश, मेकअप प्रोडक्ट्स, कुछ ना कुछ तो यूज करती रहते हो ना। उसी से हमें बचने के लिए, वो प्रोडक्ट्स हमारे फेस को नुकसान ना करे, हमें स्किन केयर रूटीन को फॉलो करना चाहिए और जरूर करना चाहिए। कम से कम दिन में एक बार तो आप जरूर करें। बहुत ही इजी सा, सिंपल सा स्किन केयर रूटीन मैं आज आप लोग को बताने वाली हूँ। कोई भी कर सकता है, टीनेजर्स कल भी कर सकती है। जितने भी मैं यहाँ पे मैं प्रोडक्ट आज यूज करूंगी ना, वो बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल होंगे, किसी के पास भी इजिली घर पे अवेलेबल होगा। बस 5 मिनट भी नहीं आपको लगेगा इसको फॉलो करने में, इसको करने के लिए 5 मिनट बस चाहिए होगा, उससे भी कम, और आप इजिली से ये स्किन केयर रूटीन कर पाओगे। और यही स्किन केयर रूटीन मैं करती हूँ हमेशा, और आप देख सकते हो मेरी स्किन कितनी ज्यादा ग्लोइंग है, सॉफ्ट है, शाइनी है, मतलब कि कोई भी रिंकल्स, पिंपल्स, दाग धब्बे कुछ भी नहीं है। मेरा मेकअप का चैनल, मैं इतने सारे मेकअप वीडियोस बनाते रहती हूँ, उसके मतलब उसके हिसाब से मेरे फेस पे बहुत कुछ होना चाहिए, बट मैं जो ये स्किन केयर रूटीन फॉलो करती हूँ ना, इसकी वजह से मेरी स्किन इतनी ज्यादा साफ सुथरी सी है, टचउड नजर ना लग जाए। तो वही मैं आपके साथ अपना रियल स्किन केयर रूटीन शेयर करूंगी, और मैं क्या यूज करती हूँ वो आपको बताऊंगी। तो चलिए, ज्यादा बातें ना करते हैं, इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अभी आप जैसे देख सकते हो फ्रेंड्स, मेरे फेस के ऊपर मेकअप है, मैंने थोड़ा सा काजल, थोड़ा सा लिपस्टिक मतलब अप्लाई किया हुआ है। तो आपने कितने से भी कितना हैवी बेस क्यों ना अप्लाई किया हो, इसको रिमूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट जाके फेस वॉश कर लिया, क्योंकि ये सब चीज मिक्स हो जाता है अच्छे से। तो फेस वॉश डायरेक्ट मत करो, पहले अपना जो ये लिपस्टिक है, काजल है, इसको आप रिमूव कर लो, उसके बाद देन आपको फेस वॉश करना है। यहाँ पे मैं यूज करूंगी क्लेंजिंग मिल्क। क्लेंजिंग मिल्क आपके स्किन, जितना भी आपका हैवी बेस मेकअप क्यों ना हो, बहुत ही इजिली क्लीन कर देता है, और ये फेस को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखता है। बट अगर आपके पास ये क्लींजिंग मिल्क नहीं है, आप कोई सा भी क्लींजिंग मिल्क यूज कर सकते हो। जैसा ऐसा नहीं है कि मैं जो यहाँ पे प्रोडक्ट दिखा रही हूँ ये आप यूज करो, कुछ भी यूज कर सकते हो। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप यहाँ पे कोकोनट ऑयल का यूज कर सकते हो। कोकोनट ऑयल जो है वो बहुत ही अच्छा क्लींजिंग मिल्क माना जाता है। आप कितने से कितना वाटर प्रूफ आईलाइनर, मस्करा या आई मेकअप या लिपस्टिक कुछ भी अप्लाई किए हो ना, कोकोनट ऑयल उसको एक चुटकी में, उसको मतलब आप थोड़ा सा लेके उसको कॉटन से ऐसे रब करके उसे ऐसे करोगे ना, और वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्लींजिंग मिल्क है। जो क्लींजिंग मिल्क भी नहीं कर पाएगा, वो कोकोनट मिल्क आपका, कोकोनट ऑयल आपका कर देगा। तो बट यहाँ पे मैं अभी क्लींजिंग मिल्क यूज करूंगी, थोड़ा सा क्वांटिटी मैं यहाँ पे लूंगी, बस इनफ है। और इसको पूरे फेस पे अपने इस तरीके से अप्लाई कर लूंगी फ्रेंड्स, नॉर्मली जैसे आप करते हो ऐसे करके कर लेना है। थोड़ा सा इसको रब कर लूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे एक वाइप्स लूंगी जिससे मैं इसको अच्छे से क्लीन कर सकूं। और यहाँ पे आप खुद ही देख पाओगे बहुत ही इजिली क्लीन हो जाएगा। मैं लास्ट में आपको दिखा दूंगी। तो मेरी लिपस्टिक भी छूट चुकी है। वाइप्स, ये बेबी वाइप्स है, आप मेकअप रिमूवर वाइप्स भी यूज कर सकते हो। कुछ भी नहीं है तो नॉर्मल कॉटन ले लो, उससे आप इसको क्लीन कर सकते हो, या कोई हैंकी हो, रुमाल कॉटन वाला, तो उसको यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन बता दी हूँ, आप कुछ भी यूज कर सकते हो। सो गैस, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने बहुत अच्छे से इसको क्लीन कर लिया है, और आप यहाँ पे वाइप्स की हालत देखो, आपको कैमरे में उतना अच्छा से नहीं दिख रहा होगा, बट बहुत ही ज्यादा इसमें डस्ट निकला है। अब इसके बाद मैं अपना फेवरेट, जो भी आप अपना फेवरेट आपका फेस वॉश है, आप उसको यूज करके अपने फेस को अब क्लीन कर सकते हो। और मैं भी जाती हूँ बाथरूम और उसको क्लीन करके तुरंत आती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि नेक्स्ट मैं क्या करने वाली। सो गैस, यहाँ पे आप देख सकते हो मैं अपना फेस को क्लीन करके आ गई हूँ, और यहाँ पे मैंने लैक्मे का फेस वॉश यूज किया है। आप कोई भी अपना फेवरेट फेस वॉश यूज कर सकते हो, सबकी स्किन टाइप अलग अलग होती है, किसी की ड्राई होती है, किसी की नॉर्मल होती है, किसी की ऑयली होती है, किसी की सेंसिटिव होती है, तो हर टाइप का
फेस वॉश अवेलेबल है मार्केट में, तो आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग फेस वॉश यूज कर सकते हो। अब जो मैं यहाँ पे इसको डैब डैब कर लूंगी, जिससे फेस वॉश के बाद जब भी अपने फेस को आप अच्छे से ड्राई करते हो ना, तो आपको इस तरीके से डैब डैब करके करना है। ऐसे नहीं कि आप रगड़ दो पूरे फेस को, इससे क्या होती है ना, एज से पहले झुर्रियां आने लगती है फेस पे। तो ये सब बहुत ही स्मॉल और छोटी सी टिप्स है जो मैं आपको बताते जा रही हूँ। उसके बाद मैं यूज करूंगी टोनर। टोनर हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा माना जाता है। नॉर्मल सा टोनर आपको यूज करना है, रोज वाटर। रोज वाटर बहुत ही सस्ता मिलता है और आप लोग के पास कहीं ना कहीं अवेलेबल होगा ही घर पे। तो यहाँ पे मैं रोज वाटर यूज करूंगी, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको रोज वाटर ले लेना है, और अगर आपकी ऑयली स्किन है ना, तो आपको रोज वाटर को यूज करना ही करना है। ड्राई वाले नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, बट आप ऑयली स्किन वाले जरूर करें। और यहाँ पे मैं इसको एज ए टोनर यूज कर रही हूँ, और अपने पूरे फेस पे इस तरीके से डैब डैब कर लूंगी। आप देख सकते हो, बिल्कुल हल्के हाथों से इसको इस तरीके से कर लेना है, और 2-3 मिनट तक अपने फेस पे ऐसे इसको छोड़ देना है, ताकि ये अच्छे से हमारे स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। ये हमारे स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस करता है, और टोनर हमारे फेस के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। तो आप 2 मिनट इसको छोड़ दोगे, 1 मिनट भी छोड़ोगे, तो आपकी स्किन में आपको खुद ही मतलब फील होगा कि आपके स्किन के अंदर ये अच्छे से मतलब चला गया है। तो ऐसे मैंने इसको 2-1 मिनट छोड़ दूंगी। अब जो मैं यहाँ पे यूज करूंगी, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है और ये लास्ट स्टेप है, इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, नहीं तो आप सोचोगे मैंने कितना कुछ बता दिया। उसके बाद जब मैं यूज करती हूँ अपने स्किन के रूटीन के लिए, या तो आप नेविया का मॉइस्चराइजर ले सकते हो, अगर आपके पास ये है तो आप ये यूज करो, अदरवाइज आप ये यूज कर सकते हो। ये पतंजलि का एलोवेरा जेल है, इसका मैंने बड़ा वाला फाइल खरीदा था, तो उसके साथ मुझे ये छोटू सा पतंजलि एलोवेरा जेल फ्री मिला था। सो आप या तो ये यूज करो या तो ये यूज करो, बट मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप ये यूज कर सकते हो नाइट के समय। अगर आप स्किन केयर रूटीन कर रहे हो तो आप ये लगाओ, इससे क्या होगी आपके फेस पे जो भी झाई है जो भी है वो आपके मतलब ठीक कर देगा। तो ये एलोवेरा जेल काफी ज्यादा अच्छा है। अदरवाइज ये नेविया का मतलब जो नेविया का मॉइस्चराइजर है ये भी बहुत अच्छा है, और आपको बस इतनी सी क्वांटिटी लेनी है और पूरे फेस पे लगा देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो ये रोज वाटर था पूरा एब्जॉर्ब हो चुका है। अब मैं यहाँ पे हल्का सा बस ये यूज कर लूंगी। ये हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है एलोवेरा जेल। अगर आपके पास नेचुरल है तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, नेचुरल तो नेचुरल ही होता है यार, तो वो और भी ज्यादा अच्छा है, वो आप लगा सकते हो। हमारे आप अगर इसको 1 महीना करोगे ना अपने स्किन के रूटीन, तो आप खुद ही फील करोगे हमारी स्किन कितनी ज्यादा अच्छी हो गई है। इसको लगाने के बाद आपको ऐसे करके बस 1 मिनट हल्का हल्का सा मसाज कर लेना है, तो ताकि ये भी मेरी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। बिल्कुल हल्के हाथों से करूंगी, बहुत ज्यादा इस तरीके से रब नहीं करना। तो बस ये था आज का मेरा स्किन केयर रूटीन, जो कि आपको भी पता है फ्रेंड्स कितना ज्यादा इजी था, कितना ज्यादा सिंपल था। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा इसके ऊपर वीडियोस, बट वो लोग इतना ज्यादा चीज बता देते हैं कि उतना चीज हमारे पास अवेलेबल होता नहीं, और उतना चीज हम करना भी नहीं चाहते हैं कि पैक लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ। वो सब आप वीक में एक बार कर सकते हो। स्किन आपको अच्छी रखनी है तो कम से कम आप वीक में एक बार अपने फेस पे स्क्रब जरूर करो, मास्क फेस मास्क का यूज जरूर करो, उससे आपकी स्किन टाइट हो जाएगी। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे कुछ और भी टिप्स देना चाहूंगी। अगर आप 30+ एज वाली हैं तो यहाँ पे एंटी एजिंग क्रीम नाइट में जरूर लगा के सोएं, उससे आपकी जो फेस पे जो झुर्रियां आ जाती हैं एज से पहले तो लटकने से लग जाती है स्किन, तो वो नहीं होगी। आपको 30 के बाद से आपको यो यूज कर देना चाहिए, आप इनफैक्ट उसके पहले भी यूज कर सकते हो। और यहाँ पे अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा खराब है और आप अगर फेशियल ऑयल यूज करते हो, तो आप यहाँ पे ये प्रोडक्ट को यूज करने के बाद फेशियल ऑयल लगा सकते हो। और अगर आप फेशियल ऑयल लगा रहे हो तो मैं कहूंगी आप मॉइस्चराइजर या एलोवेरा जेल को ना लगाएं, क्योंकि फेशियल ऑयल भी आपकी स्किन को काफी ज्यादा मॉइस्चराइज करता है और स्किन को ग्लोइंग बनाता है। फेशियल ऑयल बेस्ट है, और अगर आप कोई अच्छा सा फेशियल ऑयल खोज रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी गुड वाइब्स का फेशियल ऑयल आप यूज कर सकते हो। मेरे वीडियोज भी दी हुई है यूट्यूब चैनल पे, तो आप देख सकते हो काफी ज्यादा अच्छा है वो। तो मैं भी फेशियल ऑयल यूज करती हूँ, कभी कभी करती हूँ, मैं रेगुलर नहीं करती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगी यहाँ पे, क्योंकि मेरी स्किन उतनी ज्यादा बुरी नहीं है, अच्छी है। तो इसलिए मैं यहाँ पे नॉर्मल सा अपना ये या तो ये
एंड नहीं तो या तो ये दोनों से कुछ भी यूज कर लेती हूँ। और जो फ्रेंड्स थोड़ा सा लास्ट छोटू सा स्टेप पिक ये है कि मैं अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करूंगी। लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए लिप्स को बिल्कुल भी ना भूलें, नहीं तो पता चलेगा पूरे फेस फेस कर लिए लिप्स हमारी डार्क ब्लैक हो गई है। तो इसलिए क्योंकि हम हमेशा अपने लिप्स के ऊपर लिपस्टिक वगैरह अप्लाई करते रहते हैं, तो हल्का सा आपको यहाँ पे ये मैं नेविया वाला ही मॉइस्चराइजर को अप्लाई कर लूंगी। काफी अच्छा है ये। सो गाइज यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे पूरा अपना स्किन केयर रूटीन कर लिया। फेस कितनी ज्यादा ग्लोइंग लग रही है, सॉफ्ट शाइनिंग आपको लग रही होगी। यही मेरे स्किन का राज है जो कि बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। आप लोग प्लीज मेरी मानो, एक बार जरूर ट्राई करो, एक वीक एक महीना आपको इसको रेगुलर करना है। डिफरेंस आपके स्किन में आपको खुद ही दिखने को मिलेगा और बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो। और वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो आप लोग बिना लाइक किए हुए चले जाते हो यार, प्लीज लाइक कर दिया करो, हम आपके लिए इतनी सारी मेहनत करते हैं। सो गाइस तो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय, थैंक यू।